ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जिन्होंने हमारे से एलर्जी की दवाई मंगवाई है, जिसको दाने दाने से हो जाते हैं शरीर पे, और घर में एक के होने के बाद सभी सदस्यों के या फिर एक से दो, दो से तीन, तीन से चार फैल जाती है बीमारी। उस फैलने वाली बीमारी के लिए ये वीडियो है, जिन्होंने हमारे पास से दवाई मंगवाई है उसको कैसे और क्या लेनी है, क्या परहेज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर चार तरिया की टैबलेट मिलेंगी आपको, चारों का अलग अलग कलर है, चार गोली सुबह, चार गोली शाम को लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक पाउडर मिलेगा, ऐसे ही पैकिंग में पाउडर मिलेगा, उस पाउडर का कलर होता है ग्रीन ग्रीन सा, ठीक से ग्रीन या काला, दो में से कोई सा भी पाउडर मिल सकता है। उस पाउडर को आप 100 ग्राम सरसों का तेल, ठंडा तेल, कोई गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, 100 ग्राम सरसों के तेल में आपने वो दवाई मिलानी है। अच्छी तरह से ऐसे मिलाने के बाद सुबह शाम आपने वो तेल लगाना है, लगाने के बाद आप छोड़ दो, ना धो के लगाना है। दो से तीन दिन आपको थोड़ी ही तकलीफ महसूस हो सकती है, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। एक या दो बार की दवाई में आप बिल्कुल जैनमैन हो जाओगे। इसके बाद इसके परहेज वही है, नमक खाना नहीं, साबुन शैम्पू लगाना नहीं, नमक की बनोई कोई चीज़ नहीं खानी और साबुन शैम्पू लगाना नहीं। धन्यवाद। जय श्री श्याम।